बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू महीउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन और हम चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पर हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन from a basic idea, let's start it from conductor. What is conductor? The material that allows to current to pass through it is called as conductor. So students, isko hum simply likh dete hain, that can pass current is called as conductor. And students, there are two types of conductors, one metallic and the other one is electrolytic or electrolytes. Students, hame electrolyte और मेटालिक कंडक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो वन बाय वन अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट विद मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्शन और कंडक्टर, मेटालिक कंडक्शन, स्टूडेंट्स it is also called as electronic conduction. Why it is called as electronic conduction? Because current is passed due to free electrons. Free electrons ye current guzarte hain, isliye hum isko metallic conduction kehte hain. Students ye solid और मोल्टन बोथ स्टेट्स में कंडक्टर होते हैं। और स्टूडेंट्स कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को अगर हम टेम्परेचर से रिलेट करें तो कंडक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने मेटालिक कंडक्टर्स को डिस्कस किया हुआ है इन चैप्टर नंबर 4 एंड वी नो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं, रेजिस्टेंस आती है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी कुछ कम हो जाती है। तो दिस वाज आइडिया अबाउट मेटालिक कंडक्शन। अब दूसरा जो आइडिया है दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करेंगे तो हम इसको आयोनिक कंडक्शन भी कहते हैं। आयोनिक कंडक्शन क्यों कहते हैं आयोनिक कंडक्शन? बिकॉज करंट पासेस ड्यू टू फ्री आयंस। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन हो या फ्यूज्ड हो, मोल्टन स्टेट आर फ्यूज्ड स्टेट, इसको हम सॉल्यूशन में भी करंट गुजारेंगे तो करंट गुजरेगा, नॉट इन सॉलिड फेज। ये हो सकता है कि नॉन कंडक्टर हो सॉलिड में, इट मे बी अ बैड कंडक्टर इन सॉलिड केस, क्योंकि सॉलिड में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस फ्री नहीं होते। स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है उसमें चूंकि फ्री आयंस इन्वॉल्व हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी।
यहां पर टेम्परेचर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी? फ्री आयंस मौजूद हैं और टेम्परेचर बढ़ने से उन आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एबिलिटी टू मूव बढ़ेगी. सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और मेटालिक कंडक्शन का हमने एक बेसिक आइडिया डिस्कस कर दिया. अब हमें इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा डिस्कस करना है और उसकी टाइप्स की भी बात करना चाहेंगे. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट ऐसे मटेरियल हैं जो करंट को पास करते हैं इन मोल्टन स्टेट, पास करंट इन मोल्टन और सॉल्यूशन फेज, दे आर कंडक्टर्स. और इसको भी हम डिस्कस करके आए हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कैसे होती है, ड्यू टू फ्री आयंस होती है. तो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ई एल मैंने लिखा है फॉर इलेक्ट्रोलाइट. स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, वो आयोनाइज हो जाते हैं 100%. दे डिसोसिएट आर आयोनाइज 100% एंड दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब उनमें एग्जाम्पल्स क्या है? HCl, NaOH, HNO3, KOH, KCl, etc. स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं और कुछ हाईली सॉल्युबल साल्ट्स जो होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एंड द अदर थिंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक EL. वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज आर डिसोसिएट 100%. उनकी डिसोसिएशन लेस देन 100% होती है. यानी अगर आप 1 मोल सोल्यूट को यूज करेंगे तो वो पूरा 1 मोल सोल्यूट डिसोसिएट नहीं होता, लेस देन 1 मोल डिसोसिएट होगा. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं एंड दे आर लेस कंडक्टर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल हैं एसिटिक एसिड, इसकी एग्जांपल है H2CO3 etc. स्टूडेंट्स, ये वीक एसिड हैं और जो वीक बेसिस होती हैं लाइक AlOH थ्राइस, लाइक CuOH ट्वाइस, तो ये भी स्टूडेंट्स वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. अब इनमें एक चीज मैं यहां पर डिफरेंट पॉइंट के तौर पर लिखना चाहता हूं, दे आर गुड कंडक्टर. एक्चुअली दे आर वेरी गुड कंडक्टर. और यहां पर हम लिख देंगे इस तरफ, दे आर लेस कंडक्टर. और ये लेस कंडक्टर किसकी तरफ से है? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के निस्बत कुछ कम कंडक्टर हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक आइडिया डिस्कस कर दिया कंडक्शन का, इलेक्ट्रोलाइट का. और आखिरी बात, एक चीज हमने डिस्कस करनी है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में भी डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रोलिसिस का सिर्फ एक आइडिया डिस्कस कर दें, इलेक्ट्रोलिसिस स्टूडेंट्स, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। यानी आप एक इलेक्ट्रोलाइट लें, लेट से आपके पास NaCl है, आप उसको वाटर में डालें H2O में, तो इट बिकम्स सोडियम पॉजिटिव वन एक्वस एंड क्लोराइड नेगेटिव वन एक्वस। स्टूडेंट्स, ये आयन्स में कन्वर्ट हो गया और अब अगर इसमें से पास इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त जो करंट पास करेंगे, जो भी केमिकल चेंजेस यहां पर आ रही होंगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें रिडक्शन भी होगी, उसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, ओवरऑल ये रिएक्शन रिडॉक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, इट इज अ सिंपलेस्ट आइडिया अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। हम आगे जाके इलेक्ट्रोलिसिस को और भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हमें दो चीजों को डिफ्रेंशिएट और भी करना है। फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम आयोनाइजेशन और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज अ फिजिकल चेंज एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज अ केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, जो आयोनाइजेशन है वो है क्या? इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टेड इंटू आयन्स बाय मेल्टिंग और सॉल्यूशन फॉर्मेशन। उसको आप मेल्ट कर दें या उसको वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें तो वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोलिसिस है, ऊपर हमने कहा कि ये केमिकल चेंज है, तो इसमें आयन्स रिएक्ट ड्यू टू एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, यहां पर रिएक्ट की बजाय डिस्चार्ज का वर्ड यूज कर लें तो वो बेहतर है। डिस्चार्ज, आयन्स डिस्चार्ज एट द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बड़ा ऑर्डिनरी सा अपरेटस चाहिए होता है, लाइक इसका अपरेटस क्या होगा? इसमें बीकर चाहिए, इसमें हमें फ्लास्क वगैरह चाहिए, एटसेट्रा, और उसमें फिर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं या हम उसमें मेल्ट कर लेते हैं, दैट इज यूज्ड इन आयोनाइजेशन। और इलेक्ट्रोलिसिस में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट, सेल क्या है, इस पे हम एक पूरी डिटेल लेकर आते हैं कि इसमें हो क्या रहा होगा। और अब एक एग्जांपल से अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करवाना चाहें तो इट वुड बी लाइक दिस कि अगर हम NaCl सॉलिड लें और उसको वाटर में डाल दें, इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन बने और क्लोराइड नेगेटिव आयन बने, बोथ आर इन एक्वियस स्टेट, तो ये आयोनाइजेशन है। स्टूडेंट्स, यहां पर आयोनाइजेशन के बाद असल में सारा काम हो रहा होता है। NaCl सॉलिड व्हेन इट इज एडेड टू वाटर, इट गिव सोडियम पॉजिटिव एक्वियस एंड क्लोराइड नेगेटिव एक्वियस। और अब इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पे और कैथोड पे डिस्चार्ज ऑफ आयन होता है। इनोड पे स्टूडेंट्स एनाइन जाएंगे,
एनायन। अगर क्लोरीन है तो ये क्लोरीन गैस में हाफ मोल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। स्टूडेंट्स, माइनस वन से जीरो में जाना ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना है। स्टूडेंट्स, वही एक इलेक्ट्रॉन सर्किट में से गुजर कर जब सोडियम पॉजिटिव के पास आ रहा है तो सोडियम पॉजिटिव उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एंड इट बिकम सोडियम न्यूट्रल एंड इट इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, अपर वाज ऑक्सीडेशन एंड दिस वन इज रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल चेंज आ गई है प्रॉपरली। जो हम आयनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आई, तो यहां पर क्लोरीन और सोडियम में कन्वर्ट हो गया है मटेरियल। और इस रिएक्शन को ओवरऑल आप अगर 2 मोल से बैलेंस कर दें तो 2 सोडियम पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव, इट गिव 2 सोडियम सॉलिड। ये पहले दोनों एक्वस फॉर्म थे, अब सोडियम सॉलिड और 1 मोल क्लोरीन गैस बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये एक पूरा केमिकल रिएक्शन है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिसिस एंड आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन में कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे होते, और इलेक्ट्रोलिसिस में तो यूजफुल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। मतलब वो जो आयन्स हैं आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो तो सोल्यूशन के अंदर ही रहते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, और ये डिफरेंशिएट हमने कर लिया। स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे और उसकी टाइप्स की बात करेंगे और उनकी कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रो केमिकल सेल, केमिकल सेल, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा एपरेटस है, एपरेटस दैट कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, एक ऐसा अपरेटस जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड सेकेंड वन इज गैल्वानिक सेल, गैल्वानिक। और स्टूडेंट्स, इसी को हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम पर है, अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। तो यहां पर हमें दोनों को डिफरेंशिएट करवाना है तो इनके लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसकी वर्किंग की भी बात करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और स्टूडेंट्स, जो गैल्वानिक सेल है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें ये डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और यहां पर क्या है, स्पॉन्टेनियस,
नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पॉन्टेनियस। स्टूडेंट्स, तीसरी बात इसमें हम ये लिखने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें वन कंप्लीट सेल होगा और गैल्वानिक सेल में टू हाफ सेल्स होंगे। नेक्स्ट इज वोल्टेज सोर्स और बैटरी नीडेड। आपको इसमें बैटरी की जरूरत पड़ेगी या किसी वोल्टेज सोर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके उसकी जरूरत होती है। नो नीड फॉर बैटरी और वोल्टेज सोर्स, क्योंकि इसने खुद ही ऑटोमेटिक रिएक्शन करना होता है। इसमें जो आयन्स होते हैं वो खुद ही रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहां पर कोई जरूरत नहीं होती। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में साल्ट ब्रिज नहीं होता, नो साल्ट ब्रिज, नो साल्ट ब्रिज। ऑन द अदर हैंड इट रिक्वायर साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या है ये हम गैल्वानिक सेल की डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और उसका काम क्या है ये भी उसके साथ हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये इनके डिफरेंसेस हैं। अब मैं इसकी कोई एग्जांपल लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डाउन्स सेल, ये उसकी एग्जांपल है। नेल्सन्स सेल ये भी एग्जांपल है। और दूसरी तरफ डैनियल सेल ये एग्जांपल है इनकी। तो हमने स्टूडेंट्स इनमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस को डिस्कस कर दिया है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे टिपिकली बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें हम अब वर्किंग और कंस्ट्रक्शन मेनली डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है ये हम बात कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी कंस्ट्रक्शन को अगर डिस्कस करें, कंस्ट्रक्शन के लिए आप डिस्कस करेंगे टू मेटल इलेक्ट्रोड। एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोड डिप किए जाएंगे। कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, ये जो इलेक्ट्रोड हैं इनको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। और एनोड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड विद नेगेटिव टर्मिनल। स्टूडेंट्स, ये टर्मिनल की बात है कि एनोड को पॉजिटिव एंड से जोड़ दें और कैथोड को नेगेटिव एंड से जोड़ दें। हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। Like we have a container and it contain electrolyte solution
और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स दो मेटल इलेक्ट्रोड्स हमने डिप कर दिए। मे बी ये सेम मेटल के हों, मे बी ये डिफरेंट मेटल के हों, और हमने इनको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। स्टूडेंट्स ये हिस्सा इसका नेगेटिव एंड है और दूसरा हिस्सा इसका पॉजिटिव एंड है। सो दिस रिप्रेजेंट कैथोड एंड द अदर वन रिप्रेजेंट एनोड। एनोड तो स्टूडेंट्स इसके अंदर केटाइन्स भी मौजूद होंगे, इसके अंदर एनाइन्स भी मौजूद होंगे। लाइक इट कंटेन पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स। स्टूडेंट्स केटाइन्स को केटाइन्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू कैथोड। केटाइन गो एट कैथोड एंड डिस्चार्ज, और एनाइन्स एनाइन्स गो एट एनोड एंड डिस्चार्ज। तो स्टूडेंट्स इसमें नेगेटिव पार्ट जो है वो एनाइन है, तो ये एनोड पे चले जाएंगे। स्टूडेंट्स इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है वो केटाइन्स हैं और वो केथोड पे चले जाएंगे। जब वो केथोड और एनोड यानी अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर चले जाएंगे तो अब वहां पर जाकर वो डिस्चार्ज होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और स्टूडेंट्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब वो डिस्चार्ज होंगे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसकी वो दो टाइप्स की है। ये हमने इसकी वर्किंग का आइडिया डिस्कस किया है कि केटाइन एट केथोड एंड एनाइन एट एनोड। और स्टूडेंट्स केथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी, रिडक्शन, और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। स्टूडेंट्स केथोड और एनोड की डेफिनेशन ये हरगिज भी नहीं है कि जिस पर चार्ज नेगेटिव हो या चार्ज पॉजिटिव हो, ये डेफिनेशन नहीं है। जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगी वो कैथोड है और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड है। तो वर्किंग के लिए एक दफा फिर से थोड़ी सी बात कर देते हैं। वर्किंग आयन्स मूव टू वर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स लाइक केटाइन्स एट कैथोड, और वहां पर रिडक्शन होगी, और एनाइन्स एट एनोड। ये बात रिपीट हो रही है, ये इंपॉर्टेंट बात है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, और वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड। और स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन जब होता है, प्रोडक्ट बनते हैं, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बात आप इसमें ये भी कह दें कि आयन्स डिस्चार्ज, आयन्स डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड्स। स्टूडेंट्स ये आपका एक आइडिया है वर्किंग का। और स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये पांच पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए फॉर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। स्टूडेंट्स अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना उसकी दो तरह की वर्किंग हमने डिस्कस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस बजाते खुद हमने दो तरह की डिस्कस करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस
एक तो है फ्यूज्ड और मोल्टन साल्ट, और दूसरी टाइप है एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। स्टूडेंट्स, इन दोनों में काफी सारा डिफरेंस है। हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं कि फ्यूज्ड और एक्वियस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस में क्या फर्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, फ्यूज्ड साल्ट इलेक्ट्रोलिसिस। स्टूडेंट्स, ये हमें उस डायग्राम को दोबारा ड्रा कर लेना चाहिए ताकि हम आसानी से बात को समझ सकें और आपको समझा सकें। स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इसमें एक तरफ एनोड है, दूसरी तरफ कैथोड है, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है विद नेगेटिव टर्मिनल एंड विद पॉजिटिव टर्मिनल। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आयन्स हैं और यहाँ पर कुछ नेगेटिव आयन्स हैं। चलें हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स इस तरह। बहुत सारे पॉजिटिव हैं और बहुत सारे नेगेटिव हैं, एंड यू नो इट वेल कि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकते। जो केटाइन्स हैं उन्होंने एनोड कैथोड की तरफ जाना है, और जो एनाइन्स हैं उन्होंने एनोड की तरफ जाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफरेंट साल्ट्स को वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सपोज वी आर डिस्कसिंग NaCl सॉलिड, और आप इसे हीट करके मेल्ट कर लें, तो इससे सोडियम पॉजिटिव आयन्स आएंगे और क्लोराइड नेगेटिव आयन्स आएंगे। स्टूडेंट्स, आप पॉजिटिव को सोडियम समझ लें और आप नेगेटिव आयन्स को क्लोराइड समझ लें, जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। तो नेगेटिव आयन्स ने किधर जाना है? टूवर्ड्स एनोड, बिकॉज दे आर एनायन्स। और पॉजिटिव ने किधर जाना है? टूवर्ड्स कैथोड, बिकॉज दे आर कैटायन्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। एनोड, एनोड पे एनाइन जाएंगे, क्लोराइड नेगेटिव। क्लोराइड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ यू हैव टू क्लोराइड नेगेटिव, इट फॉर्म Cl2 एंड टू इलेक्ट्रॉन। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। स्टूडेंट्स, माइनस वन से जीरो में कन्वर्ट होना, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड, यहां पर केटाइन्स आएंगे। और अगर हमने क्लोरीन टू आयन्स लिए हैं तो सोडियम के भी टू आयन्स। और स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से ट्रेवल करके किसकी तरफ गए? कैथोड की तरफ। यहां पर पहुंच गए ऑन कैथोड, और कैथोड पर दो इलेक्ट्रॉन जब सोडियम को मिलेंगे, दे बिकम सोडियम न्यूट्रल। और स्टूडेंट्स, ये रिडक्शन है, क्योंकि कैथोड पे हमेशा क्या होती है? रिडक्शन। सोडियम प्लस वन से जीरो में जाना, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई, इट इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा कि टू सोडियम पॉजिटिव आयन्स प्लस टू क्लोराइड नेगेटिव आयन्स, इट फॉर्म टू सोडियम प्लस Cl2 गैस। और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा? रिडॉक्स, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि सोडियम और क्लोराइड सिर्फ दो ही टाइप के आयन थे। तो यहां पर फिर आप एक बात लिखें
कि प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल, प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल। व्हाई प्रोडक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल? यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ आयंस, एक की रिडक्शन हो जानी है और दूसरे की ऑक्सीडेशन हो जानी है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब यही चीज आप एक्वियस सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहां पर आप प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये वहीं पे बहस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर PbCl2। PbCl2 सॉलिड जब इसको मेल्ट किया जाता है या फ्यूज किया जाता है, इट गिव लेड पॉजिटिव 2 एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव आयन, और अगेन एनोड पे एनाइंस चले जाएंगे, 2 क्लोराइड्स नेगेटिव एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोराइड क्लोरीन गैस एट एनोड एंड इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। और स्टूडेंट्स, ये आयन डिस्चार्ज हो रहा है, पहले इस पे नेगेटिव चार्ज था, अब कोई चार्ज नहीं, तो ये डिस्चार्ज, चार्ज का खत्म होना, सिंपल ये मतलब है। और कैथोड, कैथोड स्टूडेंट्स, यहां पर वही 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करके आए और लेड पॉजिटिव 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और हमने यहां पर Pb0 फॉर्म में मिल गया हमें, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन बिकॉज लेड इज कन्वर्टेड फ्रॉम +2 इनटू 0 स्टेट। स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ फ्यूज्ड साल्ट। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में एक टेबल गिवन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट गिवन है और प्रोडक्ट्स गिवन है, और आप देखेंगे कि फ्यूज्ड साल्ट में प्रोडक्ट्स हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं, दो ही तरह के आयन हैं, हमें पता चल जाता है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स, हम वहां पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट क्या है। क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस पर अभी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। Electrolysis of aqueous solution of salt students, अगेन डायग्राम वही होगी, लेकिन इस डायग्राम में मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया क्लैरिटी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रोड, इनको आपने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा, केटाइंस एंड एनाइंस, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, अब इसमें पॉजिटिव आयन मौजूद हैं और नेगेटिव आयन मौजूद हैं, और अब हम इसमें और भी नेगेटिव आयन लिख रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयंस। व्हाई मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस? स्टूडेंट्स, एक बात यहां पर लिख दें कि प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, व्हाई? बिकॉज मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयंस। और स्टूडेंट्स, हमारे इस बुक में जो एग्जांपल है वो है सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल, AgNO3 सॉलिड, हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H2O, इट गिव सिल्वर पॉजिटिव एक्वियस और नाइट्रेट नेगेटिव एक्वियस,
यानी एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर पॉजिटिव और नाइट्रेट नेगेटिव आयंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड आपको कुछ और आयंस भी मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे आपस में, ये आपने चैप्टर नंबर 8 इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये एच पॉजिटिव H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। और स्टूडेंट्स, इसको सिंपली सिर्फ एक वाटर से भी लिखा जा सकता है कि वाटर में H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। आप इन दोनों में कोई भी टाइप लिख लें, दोनों ही बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखें, सिल्वर भी पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन भी पॉजिटिव। अब दूसरी तरफ आप देखें कि नाइट्रेट नेगेटिव और OH आयंस भी नेगेटिव। तो हमने डायग्राम में आपको जो शो करवाया कि एक से ज़्यादा टाइप के नेगेटिव आयन मौजूद हैं और एक से ज़्यादा टाइप के पॉजिटिव आयन मौजूद हैं। और स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंट आयंस हैं उनमें एक कंपटीशन डेवलप होता है, अबिलिटी टू डिस्चार्ज बिटवीन टू पॉजिटिव आयन कंपीट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ अबिलिटी टू डिस्चार्ज दो नेगेटिव आयन कंपीट करते हैं। और स्टूडेंट्स, दूसरा क्राइटेरिया इसका ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। तो दोनों में कोई एक डिस्चार्ज करेगा और दूसरा डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो अब हमें तो नहीं अभी पता कि कौन से आयन की एबिलिटी टू डिस्चार्ज ज़्यादा है और कौन से आयन की एबिलिटी टू डिस्चार्ज कम है, कौन रिएक्ट करेगा और कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट की एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे स्टूडेंट्स आयन जाएंगे, कौन से आयन, एनायंस। जब हम एनायन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस एट एनोड। और वो OH नेगेटिव आयन जब ब्रेक होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू वाटर। स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक OH आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो OH न्यूट्रल बन गया। और अगर ये 4 मोल हैं तो 4 OH न्यूट्रल और 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। और स्टूडेंट्स, 4 OH न्यूट्रल कन्वर्ट हो गए इनटू वाटर 2 मोल, और ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हुआ और ऑक्सीजन गैस। आप स्टूडेंट्स इसको ये दो स्टेप्स में अलग-अलग लिख सकते हैं, या इन दोनों को एक ही स्टेप में अगर आप लिखना चाहें, लाइक दिस, OH नेगेटिव आयंस एट एनोड दे फॉर्म वाटर 2 मोल प्लस फॉर्म ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन एट एनोड हुआ। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो हमने ऊपर दो स्टेप्स में डिस्कस किए थे, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करके जाते हैं टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पर केटाइंस का रिएक्शन होगा, कैथोड, कैथोड पर केटाइन आएंगे। स्टूडेंट्स, आप इस रिएक्शन को भी दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस H3O पॉजिटिव 1, और ये भी 4। स्टूडेंट्स, यहां पर 4 हाइड्रोजन न्यूट्रल मिल गए और 4 H2O। स्टूडेंट्स, ये जो H3O है ना, इसको समझें, ये वाटर ने एक प्रोटॉन को कोऑर्डिनेट बांड के साथ जरिए अपने साथ जोड़ा होता है। तो ये वाटर है और H पॉजिटिव है, तो आप यूं समझें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन H पॉजिटिव तक पहुंच गए, तो ये न्यूट्रल बन गए। अब 4 H न्यूट्रल जो हैं वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बन जाते हैं
2H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए। स्टूडेंट्स आप चाहें तो आप इस रिएक्शन को सिर्फ H पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 एच पॉजिटिव। तो ये क्या बना, 4 एच न्यूट्रल, और जो 4 एच न्यूट्रल हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू 2H2 गैस। और स्टूडेंट्स आप चाहें तो इसको एक थर्ड फॉर्म में डायरेक्टली वन स्टेप में भी लिख सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स 4H3O पॉजिटिव, इट गिव 2H2 गैस एंड 2 वाटर। और स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे अगर आप यहां से देखें तो ये आइडिया ज्यादा आसान लगेगा, +1 था और राइट साइड पे हाइड्रोजन 0 है, तो +1 से 0 में कन्वर्ट होना इट इज रिडक्शन, और कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अब स्टूडेंट्स सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन्स NO3- आयन, दीज डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड दीज आर कॉल्ड एज स्पेक्टेटर आयन्स, स्पेक्टेटर आयन्स। तो स्टूडेंट्स ये देखा हमने कि हमें नहीं पता कि सिल्वर और नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे कि नहीं, ये तो आफ्टर द रिएक्शन ही पता चलेगा कि ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये जो आइडिया है स्टूडेंट्स ये है कि हम प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये स्पेक्टेटर क्यों है, ये तमाशाई है, ये दूसरों का रिएक्शन उनका तमाशा देख रहे हैं, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो दीज आर कंसिडर्ड एज स्पेक्टेटर आयन्स। स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये एक्वस सॉल्यूशन हो या ये मोल्टन साल्ट की हो, इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर भी इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसकी एप्लीकेशंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को भी इसमें डिस्कस कर देते हैं और अगले लेक्चर में गैल्वेनिक सेल को ले आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये यूज होगा डाउन्स सेल और डाउन्स सेल किस लिए है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। इसमें हम कैसे यूज करेंगे, मोल्टन NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया, EL इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ग्रेफाइट एनोड होगा, इसमें आयरन या स्टील कैथोड होगा और इसमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम आप लोअर क्लासेस में शायद पढ़ चुके होंगे, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करना चाहता, बस ये आइडियाज़ आपको देना चाहता था। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सबसे पहले ये देखें कि जब NaCl को हम मेल्ट करेंगे तो इट वुड गिव सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव, एनोड पे एनाइन आएंगे, 2 क्लोराइड नेगेटिव एंड दे रिलीज Cl2 गैस एट एनोड एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और माइनस से जीरो में आना ऑक्सीडेशन है, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, ये 2 सोडियम पॉजिटिव आयन्स
प्लस टू इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जो रिलीज हुए हैं इन ऑन एनोड और ये सर्किट में मूव करके कैथोड तक आए, तो ये सोडियम न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गए टू सोडियम और ये सॉलिड बन जाएगा और इसको अलहदा कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, पॉजिटिव वन से जीरो में जाना ये रिडक्शन है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, टू सोडियम पॉजिटिव प्लस टू क्लोराइड नेगेटिव, इट गिव सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट यूज था इन डाउन सेल फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। दूसरा यूज है इन नेल्सन सेल किस लिए, फॉर प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा इज कॉमन नेम ऑफ NaOH। स्टूडेंट्स इसमें होगा क्या, ग्रेफाइट एनोड इसमें आयरन या स्टील कैथोड इसमें NaCl एक्वस सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स पहला मोल्टन सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा और यहां पर बैटरी या वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। अब रिएक्शन क्या होगा, स्टूडेंट्स यहां पर दो चीजों को आप देख लें, आपके पास NaCl एक्वस, ये जब डिसोसिएट होगा आयोनाइज होगा तो सोडियम पॉजिटिव एक्वस बनाएगा और क्लोराइड नेगेटिव एक्वस बनाएगा और इसमें स्टूडेंट्स वाटर भी मौजूद है, वाटर में H पॉजिटिव आयन एक्वस मौजूद होंगे और OH नेगेटिव आयन एक्वस मौजूद होंगे। अगेन यहां पर एक कंपटीशन डेवलप हो जाएगा, बिटवीन आयन्स, लेकिन रिएक्शन में हमारी बुक में इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया है तो हम अकॉर्डिंग टू द बुक ही लिख देते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से नहीं लिखते। हम लिखेंगे एनोड पे क्या होगा, स्टूडेंट्स एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, टू क्लोराइड नेगेटिव एनोड पे आए, ये वाले आयन आ गए और इट इज कन्वर्टेड इनटू Cl2 गैस एंड टू इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या है, कैथोड स्टूडेंट्स टू इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आए और इसके साथ टू वाटर मॉलिक्यूल्स लिख लें। स्टूडेंट्स वाटर को मैं ओपन करके लिख देता हूं ताकि आप इस बात को ज्यादा आसानी से समझ सकें, H एंड OH। स्टूडेंट्स H OH जो है ना ये इसलिए किया है ताकि आप ये समझें कि ये यहां से ब्रेक होगा तो दो H निकल आएंगे और दो OH निकल आएंगे, तो स्टूडेंट्स दो H जो हैं वो मिलकर H2 गैस बना देंगे और टू OH नेगेटिव आयन्स यहां पर जनरेट हो जाएंगे, टू OH नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। तो ये सारा क्या है, ये रिडक्शन है। ये कैसे रिडक्शन है, स्टूडेंट्स यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन थी, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जीरो है और अब इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन इज लाइक टू क्लोराइड नेगेटिव प्लस टू एच टू ओ। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्लोराइड से ही लूज होते हैं ना, तो इसमें एच टू गैस प्लस टू ओ एच नेगेटिव और ये एक्वस यानी सॉल्यूशन में और Cl2 गैस, ये स्टूडेंट्स ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन होगा।
अब स्टूडेंट्स तीसरी बात की तरफ आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम देयर फ्यूज्ड साल्ट्स। स्टूडेंट्स अगर आप मैग्नीशियम या कैल्शियम के साल्ट्स ले लें लाइक MgCl2, इसको मेल्ट करें तो ये Mg पॉजिटिव 2 आयंस में और 2 क्लोराइड नेगेटिव आयंस में। स्टूडेंट्स कैल्शियम क्लोराइड अगर हम लेंगे तो ये Ca पॉजिटिव 2 एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव। अब इसमें एनोड पे क्या होगा, एनोड पे एनायन जाएंगे, क्लोरीन, एज इन प्रीवियस एग्जांपल्स क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। और स्टूडेंट्स कैथोड पे क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करके आए और इसके सामने मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आया और ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम मेटल में, पॉजिटिव 2 से 0 में जाना, इट इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स इसी तरह सारा यही लिखें, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम लिख दें तो इसी तरह कैल्शियम मेटल आप सेपरेट आउट कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम मेटल। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्युमिनियम, इट्स फॉर्मूला इज Al2O3.2H2O, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से बनेगी और ये भी फ्यूज्ड स्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। स्टूडेंट्स क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6 है, यानी इन दोनों को मिक्स करें और इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करें। इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम कहेंगे हॉल बेरोल्ट प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स ये हॉल बेरोल्ट प्रोसेस क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। इससे फिर इलेक्ट्रोलिसिस करके हम एल्युमिनियम हासिल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ एनोडाइज्ड एल्युमिनियम। स्टूडेंट्स एनोडाइज्ड एल्युमिनियम क्या है, ये एल्युमिनियम को एनोड बनाया जाए और इलेक्ट्रोलिसिस की जाए इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम को एनोड बनाए, एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड H2CrO4 सल्फ्यूरिक एसिड और क्रोमिक एसिड। मैंने नाम लिखने की बजाय स्टूडेंट्स फार्मूला लिख दिया, बुक में नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम हो जाएगी और स्टूडेंट्स जब ये आ जाएगी कोटिंग, इसे आप बोलते हैं कि ये एनोडाइज्ड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड है, एनोडाइज्ड एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड। और ये किस लिए यूज किया जाता है,
इट कैन एब्जॉर्ब डाइज, एब्जॉर्ब डाइज, ये डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज किया जाता है। हमारी बुक में एक डिस्कस किया गया है, तो मैं अभी सिर्फ एक ही कर रहा हूँ। इट इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब डाइज फ्रॉम द सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूज इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इम्प्योर कॉपर को कैसे प्यूरिफाई करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए प्यूरिफिकेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? इम्प्योर कॉपर एज एनोड, प्योर कॉपर को कैथोड बनाओगे एज कैथोड, सी यू एस ओ फोर एक्वस सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, कनेक्ट इट विद अ बैटरी और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें। स्टूडेंट्स, इसमें रिएक्शन क्या होगा, ये बुक में मेंशन्ड नहीं है, लिखा नहीं हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, लेकिन मैं आपको लिख देता हूं। सी यू एस ओ फोर एक्वस से कौन से आयन मिलते हैं? कॉपर पॉजिटिव टू आयन्स और सल्फेट माइनस टू आयन्स। स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा इलेक्ट्रोड है जो कि इम्प्योर है, एनोड है, और दूसरी तरफ कैथोड है। और इस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स कॉपर पॉजिटिव टू आयन्स बहुत सारे मौजूद हैं और इसमें एसओ फोर आयन्स भी मौजूद हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? सी यू न्यूट्रल ऑफ एनोड, यानी जो न्यूट्रल एटम एनोड पे कॉपर के मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। सी यू पॉजिटिव टू एक्वस बन जाएंगे प्लस टू इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, कॉपर एटम फ्रॉम इलेक्ट्रोड सेपरेट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एंड कम टू द सॉल्यूशन, और ये यहां पर बहुत सारे कॉपर इकट्ठे होते रहते हैं, ऐसे सॉल्यूशन में आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर ये यहां से कम होता जाएगा ना, यहां से ये छोटा होता जाएगा क्योंकि कॉपर आयन उतर रहे हैं। ये रिएक्शन होगा एनोड पे और ये ऑक्सीडेशन है, तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे ये होगा कि जो पॉजिटिव टू आयन कॉपर के सॉल्यूशन में मौजूद हैं एक्वस, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करके सर्किट में से इलेक्ट्रोड पर जाएंगे कैथोड पर, तो वो कॉपर पॉजिटिव टू को जीरो में कन्वर्ट कर देंगे और वो डिपॉजिट हो जाएगा, और डिपॉजिट होने से ये वाला इलेक्ट्रोड पहले की निस्बत बड़ा होता जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो ये है प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर कॉपर। एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये है कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को लेयर बना देना या कवर कर देना, कवरिंग मेटल विद सम अदर मेटल, अदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करें, एक मेटल के ऊपर दूसरी लेयर लगा दें। स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, हमारी बाइक के जो व्हील हैं वो आयरन के होते हैं, लेकिन आयरन को तो रस्टिंग हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर निकल की कवरिंग लगा दी जाती है टू अवॉइड
कुरियन, उसको कुरियन से बचाने के लिए या रस्टिंग से बचाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एक एग्जांपल है। अब यहां पर दो तीन टिप्स हैं, मेटल टू बी कवर्ड। स्टूडेंट्स जिस मेटल को कवर करना है यानी जिसके ऊपर आपने लेयर चढ़ानी है उसको आप बनाओगे कैथोड, और मेटल दैट कवर अदर, जिसने दूसरी मेटल के ऊपर कवर बनाना है उसको आप बोलोगे, उसको क्या बनाओगे, एनोड। और मोस्ट प्रोबेबली आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सी मेटल का लोगे, इलेक्ट्रोलाइट होगी मेटल आयंस ऑफ एनोड, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो एनोड की तरह के आयन पैदा करे, यानी एनोड के आयन सॉल्यूशन में आएंगे जैसे कॉपर आयन सॉल्यूशन में आए थे और फिर वो कैथोड पे लग गए, तो एनोड के को इलेक्ट्रोलाइट भी एनोड के आयंस वाला, यानी कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लें, कॉपर आयन सोल्यूशन में आएंगे और सोल्यूशन से वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो